कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हम कंसीडर कर रहे थे कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एस है यू और अकॉर्डिंग टू एस प्राइम है यू प्राइम, और उस वेलोसिटी को हम उसके तीनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो यू वन यू टू एंड यू थ्री आर इन एस, और लिखा हुआ है कि यू वन यू टू यू थ्री की वैल्यूज़ क्या होंगी, किस तरह से निकाली जाएंगी। डी एक्स ओवर टी वुड बी यू वन, डी वाई ओवर टी वुड बी यू टू, एंड डी जेड ओवर डी टी वुड बी यू थ्री। सिमिलरली यू वन प्राइम यू वन यू टू प्राइम यू थ्री प्राइम इज इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, ठीक है। सो ये सारे प्राइम कोऑर्डिनेट्स में है एस प्राइम में, और ये सारी हमारे पास एस कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सो किस तरह से हम इस चीज़ को निकालते हैं, हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और क्या करते हैं, हम इनके डिफरेंशियल्स ले लेते हैं। क्यों डिफरेंशियल्स ले लेते हैं, हमें पता है कि यू वन प्राइम इज इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, ठीक है। तो मुझे डी एक्स प्राइम चाहिए, डी टी प्राइम चाहिए, सो हम इनके डिफरेंशियल्स ले लेते हैं, ठीक है। डी टी प्राइम इज इक्वल्स टू बीटा डी टी, सिंपली आप डिफरेंशियल्स ले लें, ठीक है। जो जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएंगी, और जिन जिन चीज़ों में हमारे पास कहते हैं वेरिएबल्स हैं उनमें हमारे पास डिफरेंशियल्स आ जाएंगे, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो ये आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया जाए तो हमारे पास ये डिफरेंशियल्स में आ जाता है। इसी तरह एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशियल लें तो हमारे पास डी एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाती है। वाई कंपोनेंट का डिफरेंशियल पे कोई सच फर्क नहीं पड़ता, सो डी जेड प्राइम इज इक्वल्स टू डी जी, डी वाई प्राइम इज इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यू वन की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम। सो हमारे पास इस इक्वेशन से डी एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाती है, इस इक्वेशन से डी टी प्राइम की वैल्यू आ जाती है, तो पुट कर लेते हैं। यू वन प्राइम इज इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, सो डी एक्स प्राइम की ऊपर वैल्यू पुट कर लें, नीचे डी टी प्राइम की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। बीटा एंड बीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें कि ऊपर वाली इक्वेशन में से डी टी प्राइम कॉमन ले लें, तो देखें यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा माइनस वी, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में से भी डी टी प्राइम ले लें, यहाँ पर रह जाएगा वन और दूसरी जगह पर रह जाएगा माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। सो हेयर इट इज वन माइनस वन ओवर सी स्क्वायर वी डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो ऊपर भी डी टी कॉमन आया था, नीचे भी डी टी कॉमन आया था, वो भी कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखिए डी एक्स ओवर डी टी जो है ये वैल्यू है यहाँ से देखें यू वन की, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं यू वन, इसी तरह नीचे भी देखिए वन माइनस डी एक्स ओवर डी टी अगेन यू वन हो गया, सो वी अपनी जगह पे यू वन वी ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। सो यू वन प्राइम इज इक्वल टू यू वन माइनस वी ओवर वन माइनस यू वन वी ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास रिलेटिविस्टिक वैल्यू आ जाती है यू वन प्राइम की, ठीक है। सो अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज देखनी हो, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन है। इसी तरह हम u2 में वैल्यू पुट करेंगे डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्राइम, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी इन u y डायरेक्शन, सिमिलरली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेलोसिटीज देती हैं इन गिवन डायरेक्शन, मतलब x में, y में और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज की वैल्यू है वो हमें इस तरह से दी गई। सो दिस इज हाउ वी डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट ये है कि हम कहते हैं कि जी कोई चीज़ अगर ट्रैवल कर रही है विद सम स्पीड और
वो किसी चीज को थ्रो करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक जेट फाइटर प्लेन जा रहा है और वो एक बुलेट फायर करता है, तो उस चीज की वेलोसिटी जो है वो उतनी ही बढ़ जाएगी। मैंने वालबन पिछले किसी लेक्चर में ये आपको एग्जाम्पल भी बताई थी कि अगर किसी शिप के ऊपर एक कैनन लगा है, तो क्या करते हैं कि शिप भी किसी स्पीड से जा रही है, जब वो कैनन फायर करेगी तो उसकी कोई और स्पीड आ जाएगी, वो इजाफी स्पीड हो जाएगी। विद सम जो कैनन बॉल की स्पीड है उसमें वो शिप की स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसके आगे एक टॉर्च लगा दें तो हम कहते हैं कि चले स्पीड ऑफ लाइट जो उसने फायर की वो भी तो इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर सी है तो सी प्लस समथिंग आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स वहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग पड़ते हैं, हमारे लिए टाइम मुख्तलिफ रफ्तार पर ट्रेवल करने लग पड़ता है और हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी श्रिंक हो जाता है। सो हमें कोई इक्वेशन चाहिए थी जो इस बात को जस्टिफाई कर सके कि स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? मिसाल के तौर पर मैं ये इक्वेशन उठाता हूँ, लेट मी ओपन द वर्ड फाइल। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट इक्वेशन। चलिए, मैंने कहा था वेलोसिटी है यू वन प्राइम इज इक्वल्स टू यू वन माइनस वी। ठीक है, ओके, जस्ट अ यू वन माइनस वी वन माइनस वन माइनस यू वन माइनस यू वन वी और सी स्क्वायर। तो देखिए ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब इसमें फर्ज करें कि ये दो चीजें ट्रेवल कर रही है ना। ठीक है, ये देखें यू वन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू यू वन प्राइम, सॉरी यू वन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है और वी वो वेलोसिटी है जिससे ऑब्जर्वर बजाते खुद मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप किताब में देखें तो देखिए वी जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है और यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, यू एंड यू प्राइम बोथ। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल ली थी कि एक शिप है और जा रही है और ट्रेवल कर रही है। चलिए शिप तो स्लो मूव करती है, कोई फाइटर प्लेन ले ले। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्पीड से जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है और उसके आगे एक लाइट बीम वो फायर करता है, तो उससे की फायर की गई लाइट बीम की स्पीड बाहर से कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जो उसने लाइट बीम फायर की उसकी स्पीड थी सी, मतलब यू वन की वैल्यू हम पुट करते हैं सी। ठीक है, सो लेट अस पुट दैट U1 is equals to C। ठीक है, तो अगर U1 की जगह पे C पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी U1 prime is equals to U1 की जगह हमने लिखना है C minus V, C minus V
वन माइनस अगेन यू वन की जगह पे लिखे सी वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर्ड। इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं, देखिए सी माइनस वी आ जाएगा ऊपर, सी माइनस वी वन माइनस सी सी काट गया, सो दिस इज वी ओवर सी। और आगे सॉल्व करते हैं, देखिए नीचे से हम ले सकते हैं वन ओवर सी कॉमन, ठीक है, या एलसीएम ले ले सिंपली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं, सी माइनस वी डिवाइडेड बाय देखिए वन ओवर सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस वी, ठीक है, तो यही एलसीएम आएगा। अब आप देखें c माइनस वी ऊपर भी है, c माइनस वी नीचे भी है, तो इन दोनों को अगर हम कैंसल आउट कर दें, इन दोनों को हम कैंसल आउट कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, u वन u1 prime is equals to c minus v, c minus v cancel out हो गए, 1 over c नीचे divide हो रहा है, तो उसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो आंसर आ जाएगा c, we can see easily के हमारे पास हमने value put की थी u1 पार्टिकल की वैल्यू, और उसमें से कोई वैल्यू माइनस हो रही थी, फिर भी एंड रिजल्ट वही आया जितना हमने शुरू में लिखा था, मतलब रोशनी को या रोशनी का पार्टिकल जो फोटोन है उसको बेशक आप भागते हुए फायर करें या आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर कर दें, वेलोसिटी उसमें ऐड हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटोन की स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी है। दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज इज, इस वजह से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज इतनी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज इट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। एक और चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन स्पेशल रिलेटिविटी, ठीक है। सो मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को डील नहीं करती। एक बड़ा मशहूर वाक्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही, वो एक बड़ी मुश्किल से आइंस्टाइन को प्रोफेसरशिप मिल गई किसी यूनिवर्सिटी में, पहले वो क्लर्क था और उसी क्लरिकल करियर के दौरान उसने स्पेशल रिलेटिविटी पब्लिश की थी, खैर काफ़ी, और 1905 में उसने चार पेपर्स पब्लिश किए थे जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, द ब्राउनियन मोशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार पेपर्स उसने एक ही साल में पब्लिश किए थे, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है काफ़ी फेमस हो गया और उसको एक यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ये जॉब मिल गई। सो उसके स्टूडेंट ने उससे सवाल किया कि सर मेरे पास एक क्वेश्चन है रिलेटिविटी के हवाले से, आपकी जो थ्योरी है मैंने पढ़ी है। कहता है हाँ जी मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटिविटी में, लेकिन पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स को डील करती है। द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इज ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम्स। सो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। सो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो स्पेशल रिलेटिविटी में मसाइल पैदा होते, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, जिस तरह अगर आप देखें हमने वेलोसिटीज कैसे निकालनी थी, हमने कहा था कि जी अगर हमारे पास
लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, तो हम क्या करें कि जी डी एक्स प्राइम और डी टी प्राइम ले लें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम डी यू वन प्राइम और डी टी प्राइम लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जानी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आ सकती है, तो वेलोसिटी का भी टाइम डेरिवेटिव ले लें, एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है इतना सिंपल? 3.7 आपकी किताब में है, सबके पास किताब में मौजूद है, और आप बाय हैंड भी ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज इनवर्स रिलेशन। तो ये देखें, अब ये देखें जो हमने रिलेशन निकाला था ये वाला, इसमें u प्राइम लेफ्ट साइड पर था और उसकी वैल्यू दी गई थी इन टर्म्स ऑफ u वन, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी है इसमें अब u वन लेफ्ट साइड पर है और उसकी वैल्यू दी गई इन टर्म्स ऑफ u वन प्राइम, ठीक है। सो ये उसका इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन निकालना मुश्किल नहीं है। आप इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ले और उनका वही सेम प्रोसीजर फॉलो करें जो हमने लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए फॉलो किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। डी यू वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेते हैं जो डी यू वन प्राइम, और वी क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, ओवर नीचे वाला वैसे ही, ठीक है, माइनस ये वन ओवर, ये देखिए उसने किया क्या है कि उसने न्यूमिनेटर को एक पार्ट ले लिया है और डिनोमिनेटर को वन ओवर लिख के दूसरा पार्ट ले लिया और उस पर लगा दिया है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो ये देखिए नीचे पावर वन थी तो ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी, सो जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन बाहर आ जाएगा और पावर माइनस टू हो जाएगी, उसको दोबारा नीचे लगा के हम स्क्वायर कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और ऊपर फिर इसका डेरिवेटिव ले ले, यू वन प्लस वी एज इट इज आना है यहाँ से, और ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है वी ओवर सी स्क्वायर और डी यू वन का साथ डिफरेंशियल। ये कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं बाय हैंड सॉल्व, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है वन ओवर बीटा स्क्वायर डी यू वन प्राइम और नीचे जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ सिमिलरली फॉर द इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, टी की वैल्यू इस तरह से दी गई है, तो डी यहाँ से डी टी निकाल लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डी यू वन प्राइम और डी टी प्राइम, डी टी को आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। डी यू वन ओवर डी टी को डिवाइड करें तो ये बराबर होगा एक्सेलरेशन के। सो हमारे पास इसमें वन ओवर बीटा स्क्वायर था, इसमें बीटा है जो कि नीचे लिखा है, तो वन ओवर बीटा क्यूब आ गया, और वन प्लस यू वन प्राइम वी सी स्क्वायर क्यूब डी यू वन प्राइम ओवर डी टी प्राइम, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है, ए वन इन टर्म्स ऑफ ए वन प्राइम, ठीक है, दिस इज इट। लेकिन इशू क्या है, अब देखिए, इट फॉलोज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दैट एक्सेलरेशन इज नॉट एन इनवेरिएंट इन स्पेशल रिलेटिविटी। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यूज तो निकालनी, ए वन ए टू ए थ्री तीनों की वैल्यूज तो निकालनी, लेकिन हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है इनवेरिएंट नहीं है इन स्पेशल रिलेटिविटी। अब इनवेरिएंट से क्या मतलब होता है, इनवेरिएंट से मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना आए, तो ऐसी चीज को हम इनवेरिएंट कहते हैं। हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इस पे आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख सकते हैं कि ये इनवेरिएंट नहीं रहता, ठीक है। हाउएवर इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला दैट एक्सेलरेशन इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब कहा यह गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अब एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तो फिर रिलेटिविटी में इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ी एम्बिग्वस बात है, ठीक है। दैट इज ऑल ऑब्जर्वर एग्री वेदर अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग और नॉट, ठीक है। हम कहते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वर, बेशक
रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो, वो इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि जी एक्सलरेशन हो रही है। पुट अनदर वे, इफ एक्सलरेशन इज जीरो इन वन फ्रेम देन इट इज नेसेसरली जीरो इन एनी अदर फ्रेम। अगर एक्सलरेशन की वैल्यू एक फ्रेम में जीरो आती है तो दूसरे फ्रेम में भी एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। आप पुट करके देखिए और इसी तरह आप इनवेरिएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया ए वन की वैल्यू और ये हो गई ए वन प्राइम की वैल्यू। तो अगर आप ए वन प्राइम की वैल्यू पुट करें यहाँ पर जीरो, तो ए वन की वैल्यू भी जीरो हो जाती है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। ठीक है, हालांकि जो हमने वेलोसिटीज की इक्वेशंस देखी थी, यहाँ पर देखें यू वन की जगह पे जीरो पुट करें तो यू वन प्राइम की वैल्यू जीरो नहीं आती। सो वेलोसिटी इज रिलेटिव, क्योंकि अगर एक फ्रेम के मुताबिक उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो दूसरे फ्रेम के मुताबिक उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। डिफरेंट वैल्यूज ऑब्जर्व करें, जबकि एक्सेलरेशन में हम देखते हैं कि एक साइड की वैल्यू जीरो अगर मैं पुट करूं तो दूसरे वाले की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। तो जिससे हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट है। वी शैल सी दैट दिस इज नो लॉन्गर द केस इन जनरल रिलेटिविटी। अब हम ये बाद में जाके जनरल रिलेटिविटी में देखेंगे कि एक्सेलरेशन वहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं आती। ठीक है, सो वी समराइज द सिचुएशन विच इंडिकेट्स दैट वाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक इज रिलेटिविटी थ्योरी। ठीक है, सो अब ये कहा गया है कि हमारे पास एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट आती है जिसकी वजह से हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी में उसका कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। रिलेटिविटी लफ्ज से जाहिर है रिलेटिविटी, तो फिर एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है? इस वजह से स्पेशल रिलेटिविटी एक लिमिटेड थ्योरी है और इस क्योंकि ये एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को डील नहीं करती। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया फर्क, न्यूटोनियन फ्रेम में पोजीशन रिलेटिव हो सकती है, वेलोसिटी रिलेटिव हो सकती है, लेकिन टाइम भी एब्सोल्यूट है और एक्सेलरेशन भी एब्सोल्यूट है। जबकि स्पेशल रिलेटिविटी में पोजीशन भी रिलेटिव है, वेलोसिटी भी रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट आती है। जनरल रिलेटिविटी एक कंप्लीट थ्योरी है और वो ये सारी चीज़ों को रिलेटिव प्रूव करती है। लेकिन जब हम जनरल रिलेटिविटी में पहुँचेंगे तब हम देखेंगे कि इसका क्या तरीके का। सो दिस इज इट फॉर टुडे।